नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे हैं एग्जाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि JSSC पंचायत सचिव का रिजल्ट का काफ़ी वेट कर रहे हैं आप लोग, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं बचा है जब आपका पंचायत सचिव का रिजल्ट आने वाला है। ये बीते कुछ दिनों में बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे सत्याग्रह वगैरह जो भी हुआ उसका आपको असर देखने को मिल रहा है अभी झारखंड सरकार में। ठीक है, तो इस वीडियो पे बने रहिए। आपका कब तक रिजल्ट आएगा और क्या है, क्यों आने वाला है, क्या बातें थी जो CM ने कहा, वो सारे कुछ बताएंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे JSSC JPSC का कुछ का भी, तो या फिर कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आता है तो आपको इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि JSSC पंचायत सचिव का एग्ज़ाम चल रहा था, बहुत दिक्कतों के बाद में उसका स्किल टेस्ट हुआ, फिर बाकी सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, बट रिजल्ट का पेंडिंग में रखा गया था। रिजल्ट के लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे थे और इसके लिए भी काफ़ी सत्याग्रह हुआ, रिजल्ट अभी तक से आया नहीं। फिर भी जब CM से बात हुआ तो CM के द्वारा क्या हम लोगों को सलाह दिया गया कि जब तक हमारा जो JSSC का अध्यक्ष है नियुक्त नहीं होता, वो भी झारखंड का, तब तक आपका रिजल्ट नहीं आ सकता है। उसके बाद उनके द्वारा बहुत सारा स्टेप भी लिया गया, जैसे कि वह जो भी नियुक्तियाँ हैं वहाँ से जितने भी बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनको छांटा गया। उसके बाद जैसे जो भी बाहर कैंडिडेट्स हैं वो छांटा गया, उसके बाद अच्छे से स्क्रूटनी को देखने के लिए आदमी को ये दिया गया। ये सब काफ़ी कार्य तेज़ी से हो रहा था। इस बीच एक खबर आई कि JPSC में वैकेंसी आ गई, और आपको बता दें कि जल्द ही आपको ये JSSC में भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप अपने एग्ज़ाम के जो तैयारी करें उसमें गति बढ़ा लीजिए। और मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो आपको मैं आपको प्रूफ दूंगा। वो JSSC का एक नया अध्यक्ष चुन लिया गया है, ठीक है, JSSC का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है जिसका नाम प्रशांत भूषण है, जिनको अतिरिक्त प्रभार मिला गया है। ठीक है, वो JSSC के चेयरमैन ये बोकारो जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं इसका प्रूफ देता हूँ। वो आपका जो लेटर है, वो लेटर कहाँ है, वो कैसे है, आपको दिखाते हैं। देखिए, ये दोस्तों आज के डेट में नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप देख सकते हैं डेट वगैरह। ये देखिए 27 तारीख का डेट है, 27/2/2020 आज के डेट पे ये आपका लेटर इशूड हुआ है। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग। ठीक है, इसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, देख सकते हैं आप, कि जो प्रशांत भूषण, श्री प्रशांत भूषण कुमार, ठीक है, उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है परीक्षा नियंत्रण झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद रांची। ठीक है, अगले आदेश तक वो अभी रहेंगे। तो जैसा कि CM के द्वारा कहना था कि आप लोगों का रिजल्ट है वो बन के तैयार है, आप लोगों का जो रिजल्ट है वो बन के तैयार है, तो आने वाले समय में होप करते हैं कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, आने वाले दिन में आपका रिजल्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसा CM ने कहा वैसा हो रहा है। अभी तक जितना भी कुछ देखा गया है कि उन्होंने जैसा बोला था, आते ही उन्होंने JPSC का जो छठी JPSC थी उसका एग्ज़ाम कंडक्ट, जो भी इंटरव्यू आया था वह सारा कंडक्ट कराया, रिजल्ट पब्लिश करवाया, उसके बाद JPSC का न्यू JPSC का फॉर्म निकलवाया। ठीक है, साथ ही साथ अभी JSSC का और एक वैकेंसी आने वाला है कुछ दिनों में, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टेप लिया जा रहा है झारखंड सरकार, हेमंत सरकार के द्वारा, और होप करते हैं कि आपका रिजल्ट भी जल्द से जल्द आ जाएगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी हेमंत सोरेन सरकार है ये अच्छा काम कर रही है और छात्रों के फेवर में काम कर रही है। उम्मीद है कि आपका ये 15 मार्च से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद काफ़ी वैकेंसी आने को भी है और उसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाना है, जैसे CGL का भी एग्ज़ाम पेंडिंग है। तो आपको बता दें JSSC CGL का जो एग्ज़ाम है वो भी आपका जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि JSSC का जो भी काम था वो पेंडिंग काम, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था चेयरमैन का, वो चेयरमैन का काम हो चुका है। तो उम्मीद है कि जल्द ही एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम में गति को बढ़ाए रखिए। बात है JSSC CGL का एग्ज़ाम कब होगा, तो इतना जान लीजिए कि ये आपका होली के एक से डेढ़ महीना के बाद एग्ज़ाम आपका होने का पूरा चांसेस है। ठीक है, होली ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 10 तारीख को शायद होली है, तो इसी बीच में आपका एग्ज़ाम, इसके आगे जस्ट एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं NTPC का, ग्रुप डी का, तो साथ साथ इसका भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बस इसमें अतिरिक्त क्या दिया रहता है झारखंड का GK, तो कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, ये काफ़ी गुड न्यूज़ है JSSC CGL और JSSC पंचायत सचिव के कैंडिडेट्स के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।